नहीं है, पर बताओ क्या हुआ। कह रहा बेटा आपसे ना मोटर तुम चलाओगे। मैं कहा अंकल ये चेहरा आपको कहां से जिम्मेदार लग रहा है और किस टाइम? कह रहा सुबह 6:30 बजे। मैं कहा धक्का दूं कि चले जाओगे ऐसे? हमारे नहीं बचते, तुम्हारी रात को 12 बजे जाती है मौत। अगले दिन पुनर्जन्म, उठे तो उठे नहीं उठे तो चल बस। ऐसे बीच में नहीं उठते हम। करण नहीं बेटा समझा करो, हम बुजुर्ग हैं। मैं कहा हमने थोड़ी किया है, हमारा क्या कंट्रीब्यूशन है इसमें? तो खैर मोटर तो पता है ना सबको, आपको पता है ना मोटर? हाँ बस ठीक है, दिल्ली में तो पता होता है भाई मुझे। मैं मुंबई, मुंबई वालों को नहीं पता मोटर। और अभी तो रुको, पता नहीं सारे बाल्टी से समुंदर से भर के ला रहे हैं क्या। मैं मुंबई में शो कर रहा, सामने एक बंदी बैठी थी, व्हाट इज अ मोटर? मैंने बहुत जेन्युइनली पूछा, मैंने कहा मैम आपको मोटर नहीं पता? कहती नहीं। मैं कहा आपके घर पानी कहाँ से आता है? कैरी टैप से। यार मुझे इतना रही सोना है बस, 1.5 मीटर के बाहर का सोच ही ना पाऊं। जो हो रहा है यही हो रहा है, जैसे को टैप चलाई पानी गिर गया यही। कहां से आया, पापा सोचेंगे। तो खैर हम ये मोटर चलाने का टास्क ना लेने नहीं वाले थे, पर ये भाई को ज्यादा फील में था। कह रहा भाई ये टास्क हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट। मैं कहा प्लीज इलैबोरेट। कह रहा देख अगले साल से तो ट्रेनिंग पर जल्दी उठना ही है। तुम देख रहे हो हम किस लेवल तक सेलेक्ट हो चुके थे, हम ऑलमोस्ट ड्यूटी पे थे, बस यूपीएससी को नहीं बता रहे थे बात को जाके। मैं कहा हाँ अगले साल से तो जल्दी उठना है। कह रहा बस तो फिर इस साल थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। चलो एज यू से ऑफिसर, हमने ही टास्क ले लिया। तो 3-4 दिन तो मलाम लगा के सोए, हमारा मकान मालिक पानी को तरस गया। पूरे मोहल्ले ने हमें बताया कि अलार्म बजता है, अलार्म हमें नहीं बता पाया कि वो बजता है। फिर हमें किसी ने आइडिया दिया कि कुछ ना तड़कती भड़कती टोन लगा लो तुम अलार्म की, ना तुम्हारी आंख खुल जाएगी। तो यार दिल्ली में जब टंकी भर जाती तो एक आंटी की आवाज नहीं आती, पानी की टंकी भर गई है, हमने वही अलार्म टोन लगा ली। हम सो रहे सुबह, वो बजा अलार्म की, पानी की टंकी भर गई है, हमने वाह।